क्रिकेट दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो दर्शकों की पसंदीदा लिस्ट में हैं। मैदान पर सभी चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें और टीमों को शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हर टीम के लिए कोच नियुक्त किए जाते हैं। क्रिकेट एक कठिन खेल है। रणनीति बनाना और उसके अनुसार टीमों को प्रशिक्षित करना और भी मुश्किल है। आज हम इस वीडियो में क्रिकेट इतिहास के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कोचों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, जॉन बुकानन। जॉन बुकानन क्रिकेट के अब तक के सबसे अच्छे कोचों में से एक हैं। लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली सबसे ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को जॉन बुकानन ने प्रशिक्षित किया था। वह एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। जॉन बुकानन ने वर्ष 1999 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को सेवा देना शुरू किया। उन्होंने कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2 बार विश्व चैंपियन भी बनाया। बुकानन के कोचिंग कार्यकाल के दौरान ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार सर्वाधिक टेस्ट जीत का रिकॉर्ड बनाया, जब तक कि 2001 में भारत ने उन्हें कोलकाता टेस्ट में हरा नहीं दिया। नंबर 2, गैरी कर्स्टन। निस्संदेह सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक, गैरी कर्स्टन एक बहुत अच्छे कोच भी हैं। अपने खेल करियर से संन्यास लेने के बाद गैरी कर्स्टन ने क्रिकेट कोचिंग का रास्ता चुना। वर्ष 2008 में गैरी को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और उन्होंने 4 वर्षों तक टीम को अपनी सेवाएं दी। गैरी कर्स्टन की कोचिंग में ही भारतीय टीम ने 2011 में 28 साल बाद एक दिवसीय विश्व कप जीता था। अब गैरी कर्स्टन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कोच के रूप में कार्यरत हैं। नंबर 3, डंकन फ्लेचर। डंकन फ्लेचर जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं जो अब क्रिकेट कोचों में से एक हैं। वह जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिसने वर्ष 1982 में आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के साथ की थी। इंग्लैंड में उनके कोचिंग काल के दौरान ही टीम ने 18 वर्षों में अपनी पहली एशेज सीरीज जीती थी। फ्लेचर की कोचिंग में इंग्लैंड की टीम ने वर्ष 2007 में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज भी जीती थी। उन्हें वर्ष 2011 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2015 तक टीम की सेवा की। उनके भारत के साथ रहने के दौरान टीम ने 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते। 2013 में श्रृंखला और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। नंबर 4, एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के पूर्व बल्लेबाज हैं जिन्हें इतिहास के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने 2007 में इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के सहायक कोच के रूप में अपना कोचिंग करियर शुरू किया। 2009 में उन्हें मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम ने 2009, 2011 और 2013 में 3 बार एशेज श्रृंखला जीती। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 2010 आईसीसी T20 विश्व कप जीता था। नंबर 5, डेरिन लेहमैन। डेरिन लेहमैन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के इस पूर्व सदस्य ने वर्ष 2008 में क्रिकेट कोच के रूप में अपना करियर शुरू किया था।
उन्हें उत्कृष्टता केंद्र में सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। 2009 से 2012 तक उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स के मुख्य कोच का पद संभाला। बाद में वर्ष 2013 में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया और 2014 तक इस पद पर रहे। अपने अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग करियर के अलावा उन्होंने वर्ष 2012 और 2013 में आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब के कोच के रूप में भी काम किया।